जी पूरी रुए ज़मीन पे इमाम मजरूम अलैहिस्सलाम की लाजवाब कुर्बानी का तस्करा जारी वसारी है। अपने अपने अंदाज से हर बाज़मीर खराज तहसीन पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लाइक सलाम उन लाइक खराज तहसीन हैं वो लोग रुए ज़मीन पर, और ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी इसके इस सिलसिले में भरपूर शामिल हैं, और खुदावंद ने आज़म इन सबको वो चीज़ अता करे जो वो अपनी मखलूक में देना चाहता है। मैं ज़िक्र अदा के हवाले से एक बड़ी अहम बात करना चाहूँगा। ये करबला वफादारी का नाम है, करबला इश्क कमाल मयार का नाम है, करबला लाल से पाक होने का नाम है, करबला अपने आप को उनके हवाले करने का नाम है, करबला डट जाने का नाम है, करबला सब्र का नाम है, करबला शुक्र का नाम है, करबला मखलूक खुदा से प्यार करने का नाम है। हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम यानी मेरी मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये शफ़क़त फरमाई उम्मत पे, यानी सरकार मकसद जंग के लिए नहीं आए थे, ये तो उम्मत ने लाके यहाँ सरकार को मजबूर किया, मगर सरकार का आखिरी वक्त का खुतबा ये था, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे मोहम्मद का बेटी का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे मोहम्मद के दोश रिसालत का सवार हूँ, लोगों मुझे पहचानो, लोगों मेरे मकाम को पहचानो। तो सरकार का ये आखिरी वक्त तक मखलूक को बचाना दलील है, अल्लाह की हुज्जत मखलूक को हमेशा बचाती रहती है। तो इस करबला के पैगाम के हवाले से मैं यही अर्ज करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ रुए ज़मीन पे बाज़मीन मुसलमान आलम या गैर मुस्लिम इस सिलसिले आज़ादारी को चला रहे हैं, इसको इसी तरह चलाते रहिए, अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करते रहिए, मगर साथ साथ इन मजलूमों के एक वारिस ले आना है उनको ज़रूर पुकारते रहिए, जिन्हें इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के नाम में गिरामी सयास किया जाता है। इंशाअल्लाह इन मजलूमों के वारिस ने आना है। आज भी करबला में 4000 फरिश्ते एक ही दुआ पढ़ या रब्बल हुसैन बेहक हुसैन इश्क सदर हुसैन में ज़बूर हुज्जत कायम, ऐ हुसैन के पाक रब हुसैन के सदके में हुसैन के जख्मी जिक्र को शिफा दे, ठंडा कर दे इमाम ज़माना के ज़हूर के साथ। हम तमाम मवालिया ने हैदर करा रूए ज़मीन पे दुआ गो हैं, अल्लाह करीम मज़लूमों का वारिस जल्दी आए। वस्सलाम।